हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज क्राफ्टर मेधा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, हमारा 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। एंड जैसे मैं बोली थी, जब भी ये सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक धमाकेदार वीडियो लेकर आएंगे। तो बोले आ गया यार, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। एंड सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपना चैनल बनाई थी तो उस पर 0 सब्सक्राइबर थे। एंड फिर धीरे धीरे उस पर क्राफ्ट कर वीडियो डाल डाल के अपलोड कर करके मेरा चैनल बढ़ा, तो कुछ बढ़ा तो 100 सब्सक्राइबर हुए। फिर मतलब एक बार की बात है, जब मैं कश्मीर गई थी, मतलब कुछ दिन पहले की बात है, तो वहाँ मैंने लोकल मार्केट में देखा कि फ्लोटिंग पेन मिल रहे हैं, मैजिकल स्केच बुक मिल रहे हैं, जो कि यहाँ नहीं मिलती है। तो मैं सोची चलो भाई ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो ले लिए एंड घर आई, तो फिर गाइस आपको तो पता है कश्मीर का वेदर हमेशा लगभग ठंडा ही रहता है, और वहाँ ठंडा से यहाँ गर्मी आने में ना बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था मेरा। तो मैं उन सब चीज़ को अपने मतलब कवर्ड में रख दी, जहाँ पर मेरा सारा सामान वगैरह रहता है, एंड फिर छोड़ दी कि चलो यार जब तबीयत ठीक होगा तो इसे ट्राई करते हैं। एंड गाइस मतलब मैं भूल भी गई थी कि कुछ लाई भी हूँ मैं वहाँ से अपने लिए, कुछ क्राफ्ट का सामान वगैरह भी लाई हूँ। तो मतलब कुछ दिन बाद मेरे को वो मिला, तो हम सोचे कि यार ये सब रखा हुआ था। तो फिर सोचे कि अब तो मेरा चैनल भी बन गया है, तो चले सबसे वीडियो बनाते हैं। तो मैं फटाक से उस शूट पेन को निकाली एंड उसका वीडियो शूट की। बहुत ही ज़्यादा मतलब पिछले वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो मैं फ्लोटिंग में से बहुत ज़्यादा चीज़ बनाई थी। एंड बोली भी थी कि कमेंट योर नेम, मैं उसे भी बना करके फ्लोट करवा दूँगी। तो उसमें एक है और ये गाइस, ये नाम जब आया था तो मैं सोची कि चलो यार बनाए रहते कितना टाइम ही लगेगा। उस वक्त सारा कुछ मतलब मेरे टेबल पर था, तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड की। और करीब 1 से 3 o'clock के टाइम में मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यूज़ गया। लगभग कितना 10 to 15 minutes में मतलब पूरा मतलब के पे व्यूज़ चला गया। तो मैं सोची कि ये टाइम अच्छा है, अब इसी टाइम पे वीडियो डाला करूँगी। तो उसी टाइम पे मतलब जब वो व्यूज़ गया, मैंने उसे फ्लोटिंग करवाया, उसके बाद जो व्यूज़ गया इतना अच्छा कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मतलब जितना अच्छा व्यूज़ गया, पहले तो मेरे घर से कमेंट आना शुरू हुआ, प्लीज़ ट्राई दिस, प्लीज़ ट्राई दिस। तो मैं उस सबको बनाई, उसके बाद बाहर से इतना स्पीड में कमेंट आना शुरू हुआ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं उन सब कमेंट को एक जगह एक डायरी में लिख कर रखी हूँ, वो डायरी को भी मैं बना के रखी हूँ। एंड उसमें मतलब मेरे को इतने सारे नेम आ गए, ये फर्स्ट है आप लोग देख सकते हो इतना सारा नेम है, एंड ये सेकेंड है जिसमें से अभी जितना भी टिक बनाई हूँ वो हो चुका है, और बाकी इतना सारा बनाना है, और अभी इनसे वीडियो पर बहुत कमेंट है, उसे भी लिखना बाकी है। तो मतलब उस वक्त बहुत ही अच्छा व्यूज़ हुआ, सब्सक्राइबर भी बहुत ही तेज़ी तेज़ी बढ़ा। तो मैं सोची कि यार चलो इसे ही कंटिन्यू रखते हैं। तो फिर वीडियो बनाई, उस पर कमेंट आया, उसे बनाई, फिर उस पर कमेंट आया, उसे बनाई, ऐसे करते करते कुछ ही दिनों में मेरा 200 सब्सक्राइबर हो गया। एंड मुझे पता भी नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा। 100 सब्सक्राइबर करने में मेरे को जितना टाइम लगा, उससे बहुत ही ज़्यादा कम टाइम 200 करने में लगा। एंड ये इतना ही जल्दी हो गया, मैं तो सोच ही रही थी कि यार ये कैसे हो गया, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैं ये लिखती हूँ, बनाती हूँ, लिखती हूँ, बनाती हूँ, जो काम होता है करते रहती हूँ, दिन भर मतलब मेरा इसी काम में निकल जाता है। कुछ स्कूल गई, अभी एग्ज़ाम चल रहा है फिलहाल, तो एक दिन गैप 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 करके एग्ज़ाम होता है। तो मैं स्कूल से आई, फिर वीडियो शूट की, फिर उसे एडिट की, फिर उसे पोस्ट की, फिर ट्यूशन पढ़ी, फिर कुछ कुछ की, खाई पी, फ्रेश वगैरह हो गई, फिर वीडियो बनाई, फिर उसे पोस्ट कर दी। इतना ही काम मतलब मेरे को करने में लग जाता है टाइम। फिर थोड़ा रात के समय थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई हो जाता है, और मतलब यही मेरा रूटीन है। और जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन पहले थोड़ा रिवीजन हो जाता है, फिर टाइम पे हम लोग वीडियो बना के अपलोड करते हैं। एंड मतलब यही मेरा काम चलता है, वीडियो बनाओ, उसे डालो, उस पर कमेंट आए उसे लिखो। एंड आप लोग कमेंट करते हो कि आप मेरा नाम ट्राई नहीं कर रहे हो, बहुत ही लेट हो रहा है, एक वीडियो पर डबल डबल बार अपना कमेंट कर देते हो, तो मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरा स्कूल यहाँ नहीं है, मुझे आने जाने में कम से कम 1-2 hours लग जाता है, तो मैं इसीलिए टाइम लग जाता है। और मैं सबका नाम लिख कर रखती हूँ, जिसका नाम जब आता है वह मैं बना के डाल देती हूँ, सीधा बनाती हूँ, सीधा पोस्ट करती हूँ। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इस काम पे, और चाहती हूँ कि जल्दी हमारा 300 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाए। एंड अब आप तो जानती होगी मैं अब इस बार का टारगेट कितना का है, तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए इस बार टारगेट कितना का है। एंड गाइस
मतलब मेरा सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी 210 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बहुत ही कम ही टाइम में। लगभग मैंने मॉर्निंग चेक किया था तो 200 कुछ था और अभी 10 है। तो जैसा कि मैं बोली थी कि आज का वीडियो धमाकेदार होने वाला है, तो आज गणेश चतुर्दशी भी है। सबसे पहले आपको हैप्पी गणेश चतुर्दशी, आपको गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गणेश जी का एक बढ़िया सा मूर्ति बना लेते हैं, फिर वीडियो को इंटरेस्टिंग से बनाएंगे, धमाकेदार से बनाएंगे। तो गाइज यहाँ पर मूर्ति बनाने का कोशिश जारी है एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी मैं आधा रेडी की हूँ और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरा हाथ का हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि ये सारा मैं स्वेल से बना रही हूँ एंड मेरा कोशिश है इसे बहुत ही प्यारा बनाने का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग बहुत ही बढ़िया से आराम आराम से इस पूरे मतलब मूर्ति को रेडी कर लेते हैं। उसके बाद फटाक से फ्लोर को साफ कर लेते हैं, वरना मम्मी देखेगी ना तो मेरा पागल ही बना देगी। और मेरे पैर में चोट लग गया था इस वजह से मैं दूसरे साइड वाला कपड़े को ऊपर रखी हुई हूँ। तो गाइस इतना मेहनत के बाद फाइनली हमारे गणेश जी बनकर रेडी हैं और आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं एंड मुझे बहुत ही टाइम लग गया, लगभग 1-2 घंटा लग गया बनाने में। एंड गाइस आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस है क्योंकि मेरे घर में काम हो रहा है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हल्ला हो रहा है। तो मतलब ये फ्लावर भी मैं खुद से बनाई हूँ पेपर से और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी रखते हैं और अब देखते हैं 300 सब्सक्राइबर होने के बाद क्या होता है। एंड आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्दशी एंड बाय बाय।